हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ओप्पो के नए फोन के बारे में। जी हाँ, ओप्पो ने 12 जुलाई 2018 को अपना सबसे लेटेस्ट फोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ओप्पो फाइंड एक्स। और आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में कि इस फोन की क्या खासियत है और इसके स्पेसिफिकेशन क्या है और इसके डिटेल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फोन के अंदर क्या क्या खूबियां हैं और इसकी क्या क्या कमी रह गई है, जो मैं इस वीडियो में अपने आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपने टॉपिक। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, इसका डिस्प्ले है 6.42 इंच की डिस्प्ले है। सुपर एमोल्ड कैपेसिटिव टच स्क्रीन 16 एम कलर के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है। और इसके जो देखा जाए इसका रिजोल्यूशन है, इसका 1080x2340 पिक्सल के साथ है। और इसमें मल्टी टच इसका यस है और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 पर प्रोटेक्ट किया गया है फोन। और इस फोन की जो डिस्प्ले है ये फुल डिस्प्ले है, फुल टच इसकी डिस्प्ले दी गई है। कोई इसमें आपको फ्रंट पे इसको कोई बटन नहीं दिया गया है। इसकी फुल टच एमोल्ड सुपर कलर्स के साथ इसकी डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। देखा जाए फ्रेंड तो ये फ़ोन बहुत ही स्लिम और लाइट वेट फ़ोन है। बात करते हैं हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर वर्क करता है, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अंदर स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का चिपसेट दिया गया है और इसका सीपीयू जो ऑक्टोकोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है और जीपीयू इसके एडनो 630 है। बात करते हैं इसकी फ़ोन की मेमोरी के बारे में। तो ये 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ है। और इसकी जो रैम है, ये इसकी रैम 8GB रैम है इसके अंदर। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में। इसका जो बैक कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल 20 मेगापिक्सल के ऑटो फोकस फुल डॉल टोन LED फ्लैश के साथ दिया गया है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है 25 मेगापिक्सल ऑटो फोकस के साथ 2.2 वर्क करता है। तो मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे अच्छा पिक्चर क्वालिटी कैमरा दिया गया है ओप्पो की तरफ से। अगर आप सेल्फी के दीवाने हैं तो इस फ़ोन को आप बिल्कुल लीजिए मेरी तरफ से। और इस फ़ोन के एक एक्स्ट्रा फीचर्स ये दिया गया है कि इसका कैमरा, जब भी आप कैमरा का बटन दबाएंगे तभी इसका कैमरा बाहर आएगा, वरना इसका कैमरा अदरवाइज हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है कंपनी की तरफ से, जो अब तक का ओप्पो के फ़ोन में मेरी तरफ से कहा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। बात करें इस फ़ोन के कॉमन फीचर्स के बारे में। इसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, GPS है, NFC है एंड रेडियो एंड USB एंड OTG सपोर्ट करता है ये फ़ोन। बात करते हैं इस फ़ोन के सेंसर के बारे में। तो इसके फ़ोन के अंदर क्विक फेस अनलॉक ID सेंसर दिया गया है एंड इसमें आपको 128GB और 256GB दोनों में आपको क्विक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा इसमें, कि बैटरी इसकी बहुत ही जल्दी आपकी चार्ज हो जाएगी। 35 मिनट में 100% आपकी बैटरी इसमें चार्ज हो जाएगी। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट व्यूअर एंड फोटो व्यूअर एडिटर भी इनबिल्ट दिया गया है। तो इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसके अंदर नॉन रिमूवेबल बैटरी LiOn की 3730mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है। और इसके दो आपको कलर मिलेंगे इस फ़ोन का, रेड और ग्लेशियर ब्लू आपको कलर मार्केट में अवेलेबल है। ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन बहुत ही अच्छा है। और मार्केट में इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 5999, यानी कि 60,000 की कीमत आपको इस फ़ोन की चुकानी पड़ेगा अगर आपको ये फ़ोन लेना है। तो बात करते हैं कि आप ये फ़ोन क्यों लें। अगर आप सेल्फी के दीवाने या एक अच्छा कैमरा ढूंढ रहे हैं किसी फ़ोन में, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। और आप ऐसा फ़ोन चाहते हैं कि आप जिस पर खूब काम कर रहे हो, फ़ोन हैंग नहीं हो, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेसर और इसका रनिंग पीरियड बहुत ही अच्छा है। फ़ोन है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ़ोन में कि आपकी आपका फ़ोन हैंग हो रहा है या आपका फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा है या आपकी बैटरी जल्दी आपकी डाउन हो रही है। तो इस फ़ोन को आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इन फ़ोन के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। इस फ़ोन की कीमत 60,000 रुपये है। तो इस फ़ोन के अंदर मैं आपको, मुझे जो कमी लगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे ये कमी लगी कि फ़ोन के अंदर 3.5mm का ऑडियो का जैक नहीं दिया गया है, जो सबसे बड़े पॉइंट ऑफ इशू है। एंड दूसरे नंबर पर आता है आपके ये फ़ोन 60,000 रुपये देने के बाद भी आपको वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं मिलता है। एंड तीसरे नंबर पर जो कंपनी ने इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया, ये पॉइंट ऑफ बहुत बड़ा इशू है। एंड चौथे नंबर पर जो आप 60,000 रुपये देने के बाद भी आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। तो ओवरऑल देखा गया तो ये चार कमी इस फ़ोन के अंदर मुझे लगी। तो ये थी ओवरऑल इस फ़ोन की डिटेल जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। गुड बाय फ्रेंड।